गाइस हम पहुंच चुके हैं अपने कैंप में। हमने फर्स्ट टाइम जिमनी को थार डेजर्ट में, रॉयल डेजर्ट में एंड मुगल डेजर्ट में, तीनों डेजर्ट में हमने चलाया, सफारी करी और अपनी ओन जिमनी से। तो इतनी दूर मैं लेके आया था सिर्फ इसीलिए कि मैं इसमें अपनी सफारी कर सकूं, डेजर्ट सफारी, और वो आज मेरा ड्रीम पूरा हो गया है। अभी नेक्स्ट जो है अभी कल्चरल प्रोग्राम है 2 घंटे का, उसके बाद डिनर है, उसके बाद सो जाना है और कल बैक टू दिल्ली। राजस्थानी फोक डांस के लिए कलाकार स्टेज में हाजिर है, तो इनके लिए थोड़ी और जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हेलो, गुड मॉर्निंग लवली पीपल्स। तो जाट ऑन व्हील्स में आपका एक बार फिर स्वागत है येट अनदर ब्लॉग में। आज हमारी जो जैसलमेर ट्रिप है और डेजर्ट ट्रिप है उसका day 5 है और आज हम जा रहे हैं वापसी दिल्ली को। और जो डिस्टेंस आज हमने कवर करना है वो है 800 किलोमीटर हमने कवर करना है और गूगल भाई दिखा रहा है 14 hours and 30 minutes। तो उसमें जो टोल लगेगा 650 रुपये टोल लगेगा प्लस जो पेट्रोल लगेगा। अभी हमारी जो जिमनी चल चुकी है लगभग 1150-1200 चल चुकी है और 800 टोटल हमारा 2000 किलोमीटर का ट्रिप हो जाएगा ये पूरा जो जैसलमेर का है। तो मैं एक व्यू दिखा देता हूँ यहाँ कैंपिंग का। ये सारे टेंट्स हैं, आगे भी बहुत सारे टेंट्स हैं ये सारे, और ये पार्किंग एरिया है। ये हमारा आखिरी टेंट था, मैंने कल दिखाया था आपको। इसका कॉस्ट भाई ने हमसे लिया है 2500, वैसे 3300 मांग रहे थे लेकिन मैंने उसमें एक्सक्लूड करवा दिया था जो सफारी थी, जो जीप सफारी कराते हैं, कैमल सफारी, जो पूरा पैकेज 800 रुपये में देते हैं कपल का, वो मैंने एक्सक्लूड करा दिया था। तो मैंने अपनी जिमनी से किया था सफारी पूरे तीनों डेजर्ट। तो कल का एक्सपीरियंस बहुत ही खतरनाक था। ये व्लॉग ज़रूर देखना जो डेजर्ट में हमने जिमनी चलाई है। जो भी जिमनी लवर्स हैं, जो ये सफारी करना चाहते हैं, उनके लिए तो बहुत ही बल्कि इंफॉर्मेटिव वीडियो है, तो आप वो व्लॉग ज़रूर देखना। और इसके अलावा अभी तक हमारी जिमनी ने बहुत ही परफॉर्मेंस बढ़िया किया है और इसके टायर का भी रिव्यू दूंगा। एक कमी लगी मुझे, वो भी बोल रहे थे, कासम का भाई भी बोल रहा था, यार ये कमी है इसमें टायरों में। आज का प्लान अभी यही है, बस सीधा जा रहे हैं दिल्ली को। अभी ब्रेकफास्ट रेडी होगा और सारी पैकिंग हो गई है, गाड़ी मैंने साफ़ कर ली है, कपड़ा मार दिया है, बहुत गंदी हो गई थी धूल, कल पूरा धूल लग गई थी। समय हुआ है 8:49 और वी आर रेडी टू ड्राइव और हमें समय लगेगा 14 hours 16 minutes और 796 किलोमीटर हमने ड्राइव करनी है और 11:04 11:04 पे दिखा रहा है कि रीचिंग टाइम। तो हमें ज़्यादा ही लगेगा लेकिन हम कोशिश करेंगे इस टाइम पे पहुंच जाए। नॉन स्टॉप चलेंगे दिल्ली के लिए, तो बैक टू दिल्ली। और पिछले अगर आपने व्लॉग नहीं देखे तो आप सारे व्लॉग देख लें, बहुत मज़ेदार व्लॉग्स हैं।
और इंडो पाक बॉर्डर भी मैं गया हूँ, तो बीच में बात करते रहेंगे पूरे ट्रिप की। तो चलते हैं अब। कल का व्लॉग आप ज़रूर देखना, कल तो हमारा बहुत ही हैट्रिक दिन था। सबसे पहले हम गए थे टनोट माटा टेम्पल, वहाँ माता के दर्शन करे, वहाँ लाइव बम देखे हमने। उसके बाद हम गए जो इंडो पाक बॉर्डर है, जो वहाँ से जस्ट 20 किलोमीटर ही है, तो अब परमिशन मिलने लग गई है। पहले परमिशन नहीं मिलती थी, पहले बहुत अप्रोच के बाद परमिशन मिलती थी। तो बॉर्डर देखा, उसके बाद हम आ गए लोंगेवाला। सेकेंड टाइम मैंने लोंगेवाला आया हूँ, उससे पहले मैं 2016 में आया था अपनी थंडरबर्ड 350 बाइक के साथ। लोंगेवाला में काफ़ी कुछ चेंज हो गया है, जब हम फर्स्ट टाइम आए थे उससे बहुत बदल गया है। तो लोंगेवाला में भी हमने 2 आवर्स स्पेंड किया, लेकिन गर्मी बहुत थी। तो उसके बाद हम निकल गए सैम ड्यून्स में। सैम ड्यून्स में फिर हमने टेंट बुक करा रखा था कासम भाई का, वहाँ पर हम रुके। बैक टू जैसलमेर, और सैम ड्यून से हम जैसलमेर आ गए हैं। लगभग 38 किलोमीटर का डिस्टेंस है सैम ड्यून और जैसलमेर का, और यहाँ पे हम नहीं रुकेंगे, हम सीधा चलेंगे अब दिल्ली की ओर, और बीच में एक पेट्रोल फिल कराएंगे, टैंक फिल, और फिर एवरेज काउंट करेंगे तीसरी और चौथी बार, और इसके बाद दिल्ली भरवाएंगे, फिर काउंट करेंगे। तो पूरा आपको पता चल जाएगा 4 बार का कि कितनी कितनी हमारी एवरेज आ रही है। फर्स्ट हमारी एवरेज आई थी 16 की, सेकंड आई थी 14 की, हाँ। अब थर्ड देखते हैं कितनी ये आती है। तो गाइस पेट्रोल पंप आ गया है, और हमारी जिमनी चल चुकी है 1226। तो गाइस 30 लीटर पेट्रोल आ गया है हमारी गाड़ी में, और ये आ गया है 3226 रुपये का। अभी तक 27 लीटर आया था, इस बार 30 लीटर आ गया है, क्योंकि 2 पॉइंट रह गए थे। तो एक टैंक में लगभग हमारा 500 किलोमीटर चल जाती है अपनी जिमनी। अभी कैलकुलेशन करते हैं, पहले पेमेंट कर देते हैं। तो गाइस रीडिंग देख लीजिए, 1226.2 किलोमीटर पे हमने 30 लीटर तेल डलवाया है, और लास्ट हमने डलवाया था 814 किलोमीटर पे डलवाया था। तो अभी कैलकुलेशन करके बताते हैं आपको कितनी इसमें हमारी माइलेज आई है, थर्ड माइलेज। तो गाइस कैलकुलेशन करी है हमने, 1226.2 किलोमीटर चल चुकी है, लास्ट चली थी 814, तो टोटल किलोमीटर कितना हो गया है, 412.2 किलोमीटर चल की है। तो इस बार और ड्रॉप हो गई है 13.74, सबसे पहले आई थी 16, फिर आई थी 14, अब आई है 13.74, क्योंकि हमने 4x4 में डेजर्ट में कम से कम 2 घंटे हमने सफारी करी थी, बहुत चलाई थी डेजर्ट में 4x4 में काफ़ी माइलेज कम हो जाती है, जिसकी वजह से ये हमारी एवरेज आई है। 1226.2 पे हमने फिल टैंक फुल करा लिया है, और अब देखेंगे दिल्ली जाके हम फिर टैंक फुल कराएंगे तो माइलेज कितना आएगा। तो फोर्थ माइलेज आपको, अब बिल्कुल हाईवे रन है। तो गाइस यहाँ पे हमने टायर में हवा भरवा ली है, ये हमने करवा ली है 30 PSI, और इससे पहले थी 26 PSI। अब देखते हैं कोई फ्यूल माइलेज में कितना एक्स्ट्रा फ़र्क पड़ता है नहीं पड़ता। कौन सी जगह है ये? लाठी धोलिया। पीछे एक बागू का गांव आया था, बागू बागू का गांव ना, यूट्यूबर। हाँ, कौन सा चैनल है? मेरा जाट ऑन व्हील्स। हाफ टैंक खत्म हो गया है, अभी लास्ट पॉइंट खत्म हुआ है, और रेटिंग है 1521, यानी कि हमने 1221 में डलवाया था, तो 300 किलोमीटर हाफ टैंक में, पूरी 300 किलोमीटर हमारी ड्राइव हो चुकी है। अभी 5 पॉइंट पूरे बचे हुए हैं, छठा पॉइंट अभी ख़त्म हुआ है, तो 5 पॉइंट में 200-250 तो आराम से और जाएगी। तो 300 किलोमीटर हम डिस्टेंस कवर कर लिया है 5 पॉइंट में। तो ये बीकानेर पहुंच गए हैं हम, बीकानेर सिटी आ गई है। सैम ड्यून से बीकानेर हम 5 घंटे में पहुंच गए हैं, और नॉन स्टॉप ही चले हैं। फ्यूल डलवाया था और एक बार हवा डलवाई थी, 2 जगह ब्रेक लिए थे बस। तो
अभी दिल्ली का जो डिस्टेंस है वो रह गया है 432 किलोमीटर और 8 आवर 44 मिनट, यानी कि 9 आवर की राह है जर्नी अभी और भी बची हुई है। हम हैं अभी बीकानेर में और ये सुख जी की स्वीट शॉप है। यहाँ पे हमने लिया है घेवर और भाई से बात हुई थी तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे दिसंबर और जनवरी 2 महीने पूरा घेवर मिलेगा, और जबकि हमारे हरियाणा में दिल्ली में घेवर मिलता है सावन पे, सावन के महीने में सितंबर अक्टूबर और लास्ट थोड़ा सा नवंबर, लेकिन यहाँ पे बनता है दिसंबर और जनवरी ठंड में। तो ये ठंड में घेवर खाते हैं और हमने पहले खा लिया है, तो मैंने थोड़ा घेवर पैक करवाया है घर के लिए और एक ब्रेक भी ले लिया है। तो जिमनी खड़ी है, ये है पूरा बीकानेर सिटी और हाफ एन आवर हो गया बिल्कुल हमें रश करते हुए, अब निकलेंगे। सिर्फ 2 पॉइंट रह गए हैं और मोर देन 425 किलोमीटर हमारी जिमनी चल चुकी है और समय आ गया है कि हम अपनी जिमनी की माइलेज निकालें चौथी बार। देखते कहाँ लगाएं। अभी जो रीडिंग है 1648.1। तो अब फुल करा लेते हैं टैंक। 28 लीटर अभी फ्यूल डला है हमारी जिमनी में 3101 रुपये का। हम फोर्थ टाइम कर रहे हैं अपना माइलेज चेक, तो 1648.2 अभी रीडिंग है करंट, और लास्ट जो टैंक फुल कराया था वो 1224.4 पे। तो हमारी जो चली है जिमनी वो है 423.8 डिवाइड बाय 28 लीटर्स अभी। फ्यूल आया है तो 15.13 की एवरेज आई है इस बार, और जबकि जिमनी दिखा रही है ऑडोमीटर में 14.6। जैसलमेर टू दिल्ली इस पे जो एवरेज आई है अभी तक वो आई है 15.16। अभी भी जो डिस्टेंस कवर करना है 332 किलोमीटर हमने कवर करना है और 6.43 आवर्स लगेंगे हमें, यानी कि 11:07 पे पहुंचेंगे। कंटिन्यू हम ड्राइव कर रहे हैं, बीकानेर में रुके थे 20-25 मिनट के लिए बस, उसके बाद कंटिन्यू चल रहे हैं, अभी भी चलते हैं। ब्रेक हो गया है पेट्रोल ब्रेक। और सबसे मेन अट्रैक्शन था हमने जो जिमनी की डेजर्ट सफारी करी उसका तो मज़ा आ गया यार। मैंने अपनी खुद की अपनी जिमनी लेके गया, तो कासम भाई के जो ब्रदर को मैंने अपने साथ बिठा लिया था फॉर नॉलेज के लिए, थोड़ा वो समझा रहा था क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं 4x4 चला रहा था और 4x4 में मैंने ड्राइव करी, तो भाइयों इनको तो काफ़ी एक्सपीरियंस होता है, ये जाते रहते हैं पूरा थार डेजर्ट में और जो रॉयल डेजर्ट अपना मुगल डेजर्ट है सारे डेजर्ट करते हैं, तो तीनों डेजर्ट में मैंने अपनी थार को अपनी जिमनी को चलाया। आप पिछला ब्लॉग जरूर देखना, इसके क्लिप्स मैं कुछ डाल दूंगा इसमें भी। तो गाइस हमने अभी रोहतक को क्रॉस करा है और यहाँ से जो हमारा घर है लगभग 60 किलोमीटर रह गया, 60 या 70 के करीब, तो 1.5 आवर अभी गूगल भाई दिखा रहा है। तो ये है मनसा ढाबा है सामने देखिए, और ये मनसा महल। तो यहाँ पे अभी हमने चाय का ऑर्डर दिया है तो चाय पी के निकलेंगे और आज का ट्रिप हमारा यहीं पे पूरा होता है, अब सीधा घर जाएंगे। तो आपको ये पूरी सीरीज कैसी लगी एक कमेंट ज़रूर करना, कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ 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 मैसेज मी, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है jart_on_wheel और सब्सक्राइब जरूर करना भाई लोग, बहुत शोर आ रहा है ट्रैफिक का, तो सब्सक्राइब जरूर करना, ये बिल्कुल फ्री है और भाई का आपका मोटिवेशन मिलता है इससे। अंत में दोस्तों राइड हार्ड राइड से, वंदे मातरम, जय हिंद, सायनारा।
एक घर पहुंच के आपको जरूर बता दूं कि समय मैं घर पहुंचा हूं।